रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय निम्न वर्गीकरण कीजिए। पहला, संचालन क्रियाएं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा, निवेश क्रियाएं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरा, वित्तीय क्रियाएं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चौथा, रोकड़ एवं रोकड़ के समान, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहला, बैंक शेष, बैंक बैलेंस। दूसरा, देनदारों से प्राप्त, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तीसरा, लाभांश चुकाया, डिविडेंड पेड। चौथा, दीर्घकालीन ऋण का पुनः भुगतान, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। पांचवा, नगद विक्रय, कैश सेल। छठवा, अल्पकालीन जमा बैंक में, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक। सातवा, भवन का क्रय, परचेस ऑफ बिल्डिंग। आठवा, समता अंशों का निर्गमन, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। नौवा, आयकर चुकाया, इनकम टैक्स पेड। दसवा, ऋण पत्रों का शोधन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ग्यारहवा, वेतन चुकाया, सैलरी पेड। बारहवा, गैर चालू विनियोग का विक्रय, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तेरह, लाभांश प्राप्त, डिविडेंड रिसीव। चौदह, ऋण पत्रों पर ब्याज चुकाया, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। पंद्रह, विनियोग पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सोलह, लेनदारों को नगद भुगतान, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि जो भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं उनको हमको चार भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, उनके प्रकृति यानी उनके नेचर के आधार पर। एक हमको बताना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फाइनेंस एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी उन क्रियाओं की जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, व्यापार संचालन से रिलेटेड है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आएगा देनदारों से प्राप्त यानी कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। उसके बाद आएगा कैश सेल, क्योंकि ये भी सामान्य व्यापार संचालन से संबंधित क्रिया है। और उसके बाद आएगा इनकम टैक्स पेड, आयकर का भुगतान, ये भी सामान्य व्यापार संचालन की क्रियाएं हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि इनकम टैक्स हमको प्रत्येक व्यापार के लिए देना ही होता है। और इसके बाद हम देख रहे हैं सैलरी पेड, 11 पॉइंट, सैलरी पेड, वेतन चुकाया, ये भी एक प्रकार का ऐसे सामान्य व्यापार संचालन से संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय है जिसे हम व्यापारिक क्रियाओं के संचालन के लिए देते रहते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे 16 पॉइंट इसमें इंक्लूड होगा, लेनदारों को नगद भुगतान। लेनदार या देनदार दोनों ही पक्षकार किसी भी व्यापार के लिए एक सामान्य पक्षकार होते हैं, उधार क्रय विक्रय के द्वारा इनका निर्माण होता है। तो लेनदारों को किया गया नगद भुगतान यानी कि कैश पेड टू क्रेडिटर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या संचालन क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि निवेश क्रियाएं यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनमें से कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होंगी। तो सबसे पहले इसमें शामिल होगा 7th पॉइंट यानी कि भवन का क्रय। स्थायी संपत्तियों में किए गए जो भी व्यय होती है वो उनको हम मान लेते हैं कि वो निवेश से संबंधित है या फिर पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं, इसलिए भवन का जो क्रय है वो निवेश क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और निवेश क्रियाओं में इसके बाद हम ऐड करेंगे 12th पॉइंट यानी गैर चालू विनियोग का क्रय, क्योंकि विनियोग इन्वेस्टमेंट निवेश का ही पॉइंट है। तो सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यानी गैर चालू विनियोग का विक्रय भी निवेश क्रियाओं के अंतर्गत ही शामिल किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 13th पॉइंट जो कि निवेश से ही रिलेटेड है, लाभांश। हम किसी प्रकार के अंश पत्र ऋण पत्र का क्रय विक्रय करते हैं तो उसके अंतर्गत ये प्राप्ति आती है। तो लाभांश की जो प्राप्ति है उसको डिविडेंड रिसीव को हम निवेश क्रिया यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत शामिल करते हैं। फिर हम 15th पॉइंट देख रहे हैं विनियोग पर ब्याज, ये भी क्योंकि इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश से ही संबंधित है और तो इसको भी हम निवेश की क्रियाएं यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत ही इंक्लूड करेंगे। थर्ड पॉइंट हमको यहाँ पे लिखना है फाइनेंशियल एक्टिविटी यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं।
तो वित्तीय क्रियाओं यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत हम सबसे पहले शामिल करेंगे थर्ड पॉइंट, डिविडेंड पेड। अगर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक फाइनेंस फाइनेंशियल एक्सपेंस है, इसको हम इसमें शामिल करेंगे। और उसके बाद दीर्घकालीन ऋणों के बारे में अगर किसी प्रकार की जानकारी दी गई है तो ये भी एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन को हम इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। उसके बाद हम समता अंश पत्रों का निर्गमन, ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, इसको हम इसके अंतर्गत शामिल करेंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 10th पॉइंट, ऋण पत्रों का शोधन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटी है, इसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और 14th पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं, ऋण पत्रों पर चुकाया गया ब्याज। तो ऋण पत्र और अंशों से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सभी फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंतर्गत आएंगी, और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंतर्गत इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमको इसमें देखना है रोकड़, और रोकड़ से संबंधित क्रियाएं कौन कौन सी है। तो यहाँ हम सबसे पहले देख रहे हैं 1st पॉइंट, बैंक बैलेंस, बैंक में जो कैश है वो कैश इक्विवेलेंट हम उसको मान लेते हैं। और 6th पॉइंट जो कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक। कैश के बाद जो कैश इक्विवेलेंट चीजें होती हैं जिनको हम जितने शीघ्र हो सके हम उसको कैश में चेंज कर सके, तो बैंक में जो जमाएं होती हैं उनको हम बहुत जल्दी से कैश में चेंज कर सकते हैं, इसलिए कैश या कैश इक्विवेलेंट एक्टिविटीज में बैंक में जो डिपॉजिट है वो सारे पॉइंट्स आएंगे। निम्न व्यवहार किस क्रिया से संबंधित है बताइए। संचालन क्रियाएं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, निवेश क्रियाएं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वित्तीय क्रियाएं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, रोकड़ एवं रोकड़ के समान क्रियाएं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्टिविटीज। पहला, मशीन का क्रय परचेस ऑफ मशीनरी। दूसरा, आयकर वापसी इनकम टैक्स रिफंड। तीसरा, रोकड़ हाथ में कैश इन हैंड। चौथा, माल का नगद क्रय कैश परचेस ऑफ गुड्स। पांचवा, बिक्री योग्य अल्पकालीन प्रतिभूति विनियोग इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। एफ, किराया चुकाया गया रेंट पेड। जी, पेटेंट का विक्रय सेल ऑफ पेटेंट। एच, समता अंशों की खरीदी वापसी बाय बैक ऑफ इक्विटीज शेयर। आई, कमीशन प्राप्त कमीशन रिसीव। जे, परचेस ऑफ गुडविल ख्याति का क्रय के 9% ऋण पत्रों का निर्गमन इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर। एल, अंतरिम लाभांश का भुगतान इंटरिम डिविडेंड पेड। यहाँ सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कि संचालन क्रियाओं को शामिल करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले बी पॉइंट यानी कि इनकम टैक्स रिफंड को इंक्लूड करेंगे। इनकम टैक्स रिफंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है क्योंकि सामान्य व्यापार संचालन में हम देखते हैं कि किसी भी व्यापार के संचालन में इनकम टैक्स पे करना ही पड़ता है, तो एक तो बी पॉइंट यानी कि इनकम टैक्स रिफंड को हम इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। और फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम शामिल करेंगे पॉइंट डी, नगद माल का नगद क्रय यानी कि कैश परचेस ऑफ गुड्स। जब भी हम नॉर्मली जब हम ट्रेड एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हम कई तरह से माल खरीदते हैं और बेचते हैं, अब चाहे वो कैश परचेस हो या क्रेडिट परचेस, इस तरह से जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड होती हैं। तो डी पॉइंट यानी कि माल का नगद क्रय कैश परचेस ऑफ गुड्स वो हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नेक्स्ट पॉइंट एफ यानी कि किराया चुकाया। जब हम कोई व्यापार करते हैं तो हम देखते हैं कि हम दो तरह के व्यय करते हैं, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जनरली डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि प्रत्यक्ष व्यय जो होते हैं व्यापारिक व्यय कहलाते हैं, यानी कि व्यापार के निर्माण और उत्पादन से संबंधित जो व्यय होते हैं या माल को खरीदने या बेचने से संबंधित जो व्यय होते हैं, बनाने से संबंधित जो व्यय होते हैं, वो सारे के सारे प्रत्यक्ष व्यय में शामिल हो जाते हैं। और उसके अलावा फिर जितने भी व्यय होते हैं वो सामान्य व्यापार संचालन या कार्यालय संबंधित व्यय होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एफ यानी कि किराया चुकाया एक प्रकार का
अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे। और एक पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं, आई यानी कि ख्याति का क्रय परचेस ऑफ गुडविल, तो सामान्य व्यापार संचालन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड ये पॉइंट है, इसलिए हम इसको शामिल करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकेंड हमको सेलेक्ट करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी कि निवेश संबंधी क्रियाएं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट जिसमें मशीन परचेस की गई है, मशीन को खरीदने से संबंधित जो क्रियाएं होती है, चाहे मशीन, फर्नीचर, मकान, दुकान, भवन, ये सब स्थायी संपत्तियां हैं और इसको जब भी हम इसको खरीदते हैं पूंजीगत व्यय के अंतर्गत इनको शामिल करते हैं। एक बार जब इन स्थायी संपत्तियों पर व्यय कर दिया जाता है तो काफी लंबे समय तक इनसे लाभ प्राप्त होता रहता है, इसलिए इन पर जो किए गए व्यय होते हैं वो निवेश संबंधी व्यय कहलाते हैं। और यही कारण है कि मशीनों का क्रय जो है उनको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। दूसरी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यहाँ पर देख रहे हैं जी, यानी कि पेटेंट का विक्रय, सेल ऑफ पेटेंट। पेटेंट एक अमूर्त संपत्ति है, हमने देखा था गुडविल, पेटेंट, इस तरह की जो संपत्तियां होती हैं अमूर्त संपत्तियां होती हैं, और संपत्तियों पर जो भी क्रय विक्रय या फिर उन पर जो भी खर्च किए जाते हैं वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट मान लिए जाते हैं, निवेशित क्रियाएं मान ली जाती हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर हम पेटेंट की खरीदी जो पॉइंट है जी पॉइंट, उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यानी कि निवेश क्रिया के अंतर्गत शामिल करेंगे। एक पॉइंट हमको यहाँ पर निवेश क्रिया यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाई दे रहा है जे, यानी कि ख्याति का क्रय। तो हमने देखा कि जिस प्रकार से पेटेंट एक अमूर्त संपत्ति है, वैसे ही गुडविल भी एक अमूर्त संपत्ति है, व्यापार की ख्याति है, प्रसिद्धि है, संपत्ति माना जाता है। तो ख्याति से रिलेटेड, गुडविल से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन सब को हम निवेश क्रिया यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा जे पॉइंट, ख्याति का क्रय परचेस ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत। थर्ड हमको चूज करना है इसमें से वित्तीय क्रियाएं यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो है, एक तो हम के पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें 9% ऋण पत्रों का निर्गमन किया गया है, ऋण पत्र, अंश पत्र, इनका निर्गमन, इनमें जो प्राप्त होने वाली आय है, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आते हैं, जो भी पॉइंट्स आते हैं, वो सबके सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी कि वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। और उसके बाद हम इसमें देख रहे हैं कि एक एल पॉइंट दिया गया है, इंटरिम डिविडेंड पेड, अंतरिम लाभांश चुकाया गया, उसको हम इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। हम अंशों की बात करते हैं, शेयर की बात करते हैं, डिबेंचर की बात करते हैं, तो उस पे प्राप्त होने वाला जो इंटरेस्ट है या जो डिविडेंड है वो सारे पॉइंट्स भी इसी के अंतर्गत इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमको चूज करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश यानी प्रॉपर, एक तो कैश हो सकता है, दूसरा कैश की इक्विवेलेंट यानी कितनी लिक्विडिटी है उसमें, कितने आसानी से हम उसको कैश में चेंज कर सकते हैं, ये कैश इक्विवेलेंट से हम शो करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट तो स्पष्ट रूप से दे दिया गया है, रोकड़ हाथ में, कैश इन हैंड, तो वो तो कैश के अंतर्गत आएगा ही आएगा। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है ई, बिक्री योग्य अल्पकालीन प्रतिभूति विनियोग, इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं उनको हम कैश इक्विवेलेंट मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट है जिसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट किया गया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक साल से पहले के भुगतान का इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट मानते हुए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्टिविटीज में शामिल करेंगे। निम्न व्यवहारों को निम्न क्रियाओं में वर्गीकृत कीजिए, पहला संचालन क्रियाएं, दूसरा निवेश क्रिया, तीसरा वित्तीय क्रिया और चौथा रोकड़ एवं रोकड़ समान। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट एक्टिविटीज। माल की खरीद पर भाड़ा चुकाया, कैरेज पेड ऑन परचेस, दूसरा अंशों का क्रय
परचेस ऑफ शेयर, तीसरा बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज चुकाया, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पेड, चौथा प्रदान की गई सेवाओं के बदले नगद प्राप्त, कैश रिसीव अगेंस्ट सर्विस रेंडर्ड, पांचवा सेवाओं के बदले किया गया भुगतान, कैश पेड अगेंस्ट सर्विस टेकन, छठवा भवन का विक्रय, सेल ऑफ बिल्डिंग, सातवा भवन विक्रय से लाभ आयकर चुकाया, इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, आठवा लाभांश चुकाया, डिविडेंड पेड, नौवा लाभांश पर कॉरपोरेट लाभांश कर चुकाया, पेमेंट ऑफ कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स ऑन डिविडेंड पेड, दसवा चालू विनियोग शेष बैलेंस ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट, ग्यारहवा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों का शेष बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बारवा बैंक अधिविकर्ष के शेष में कमी डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले इस जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें से हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट यानी कि माल की खरीद पर जो भाड़ा चुकाया गया है, कैरेज पेड फॉर गुड्स परचेस, ये क्योंकि सामान्य व्यापार संचालन से संबंधित एक क्रिया है, जबकि जब भी हम व्यापार संचालित करते हैं हम बहुत सारी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, कभी उधार क्रय विक्रय करते हैं, कभी नगद क्रय विक्रय करते हैं, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वस्तु के क्रय विक्रय से संबंधित सभी क्रियाएं, उन पर किए गए व्यय, लाने ले जाने के व्यय, ये सभी व्यय क्रय में शामिल होते हैं और क्रय या विक्रय संबंधित सभी क्रियाएं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत आती हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट माल की खरीद पर चुकाया गया गाड़ी भाड़ा, कैरेज पेड फॉर गुड्स परचेस, इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट एक दिया गया है जिसमें प्रदान की गई सेवाओं के बदले नगद राशि प्राप्त हुई है, कैश रिसीव अगेंस्ट सर्विस रेंडर। तो क्योंकि जो भी सेवाएं दी जाती हैं या वस्तुओं का विक्रय किया जाता है उनके बदले में जो भी भुगतान प्राप्त होता है ये सामान्य व्यापार की एक क्रिया है, या तो हम वस्तु का व्यापार करते हैं या हम सेवाओं का व्यापार करते हैं और हम अपनी वस्तु या सेवाओं के बदले में धनराशि प्राप्त करते हैं, ये नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनकम के अंतर्गत ही आता है। तो इस फोर्थ पॉइंट को भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शामिल कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं फिफ्थ पॉइंट, सेवाओं के बदले किया गया भुगतान, कैश पेड अगेन सर्विसेज टेकन। तो इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि जैसे कि हमने इसके पहले देखा था कि हमने जो सेवाएं दी है उनके बदले हमको नगद राशि प्राप्त हो रही है, तो ये अगर इनकम है, व्यापारिक आय है एक प्रकार की, तो अगर हम सेवाओं के बदले भुगतान करते हैं तो ये भी एक प्रकार का व्यापारिक व्यय है। यानी ओवरऑल हम इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है, सेवाओं के भुगतान से रिलेटेड हो या प्राप्ति से रिलेटेड हो, उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही शामिल करेंगे। तो फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट को हम यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शामिल कर लेंगे। उसके बाद हमको देखना है कि इसमें से निवेश क्रियाएं कौन कौन सी है, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड पॉइंट, अंशों का क्रय, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी रिलेटेड टू शेयर डिबेंचर, इसमें इन्वेस्ट करने से रिलेटेड कहीं पे भी आपने इन्वेस्ट किया है, शेयर खरीदे हैं किसी कंपनी के, डिबेंचर खरीदे हैं, तो उस शेयर या डिबेंचर पर आपको क्या डिविडेंड मिल रहा है, क्या इंटरेस्ट मिल रहा है, सो रिलेटेड सारे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होते हैं वो फाइनेंस के अंतर, वो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, एक तो इसको अंशों का क्रय, परचेस ऑफ शेयर, इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं एक सिक्स पॉइंट, क्योंकि भवन है, बिल्डिंग है, पूंजीगत एक व्यय है हम कह सकते हैं, इस पर जो व्यय किए जाते हैं स्थायी संपत्तियों पर पूंजीगत व्यय कहलाते हैं, और एक एक्सपेक्टेशन रहती है और वास्तविकता भी है
कि उससे जो लाभ प्राप्त होते हैं वो काफी लंबे समय तक प्राप्त होते रहते हैं। और तो यही कारण है कि भवन पर किया भवन का जो विक्रय है उससे जो आय प्राप्त होती है उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड कर लेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 पॉइंट, भवन विक्रय से लाभ आयकर चुकाया। जब भी हम किसी फिक्स एसेट्स को सेल करते हैं, कैपिटल एसेट्स को जब हम सेल करते हैं, तो उस पे अगर हमको कुछ प्रॉफिट होता है तो उस पे भी हमको टैक्स पे करना होता है। तो क्योंकि भवन का विक्रय हमने पूंजीगत एक प्रक्रिया के आधार पर इसको हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंक्लूड कर लिया है, तो इसके विक्रय के लाभ पर जो हम आयकर चुकाएंगे, अब जाहिर सी बात है कि वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट हमको चूज करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वित्तीय क्रियाएं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे हमको फाइनेंस रिलेटेड पॉइंट दिखाई दे रहा है, थर्ड पॉइंट यानी बैंक अधिविकर्ष पर जो ब्याज चुकाया गया। बैंक में पैसा जमा, बैंक से निकाला, कहीं से ऋण लिया, ये सारी जो क्रियाएं होती है, शेयर डिबेंचर रिलेटेड जो क्रियाएं होती हैं, बहुत सी क्रियाएं इनमें से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड की जाती हैं। तो एक तो हमने देखा कि बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज चुकाया, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको हम इसके अंतर्गत इंक्लूड करेंगे। दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं लाभांश चुकाया, तो अंशों से संबंधित ये व्यय है, अंशों पर ये चुकाया गया, ऋण पत्रों पर चुकाया गया, तो लाभांश को भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत इंक्लूड कर लेंगे। और उसके जस्ट बाद जो हमको दिखाई दे रहा है, लाभांश पर कॉरपोरेट लाभांश कर चुकाया गया। डिविडेंड पे भी कई बार हमको टैक्स देना पड़ता है अगर वो कॉरपोरेट डिविडेंड है तो, और क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है तो डिविडेंड पे जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, तो उससे रिलेटेड भी जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम 9th पॉइंट यानी लाभांश पर कॉरपोरेट लाभांश चुकाया, पेमेंट ऑफ कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स ऑन डिविडेंड पेड, इसे भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत ही इंक्लूड कर लेंगे। बैंक रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पर हमको और दिखाई दे रहा है, बैंक अधिविकर्ष के शेष में कमी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस जो है वो कम हो गया है, चाहे कमी होता है या वृद्धि होती है, लेकिन ये रिलेटेड टू फाइनेंस ही है, तो इसको बैंक रिलेटेड इस पॉइंट को भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे। अब हमको चूज करना है कैश एंड कैश इक्वावेलेंट एक्टिविटीज। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10th पॉइंट जो है चालू विनियोग का शेष, क्योंकि शॉर्ट टर्म है ये, चालू विनियोग है, तो उसको हम इसके अंतर्गत शामिल कर लेंगे। और उसके बाद एक पॉइंट हमको यहाँ पर जस्ट बाद दिखाई दे रहा है, बिक्री योग प्रतिभूतियों का शेष, बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बिक्री योग्य है यानी कि कभी भी उनको बेच के कैश इक्विवेलेंट कैश हम ले सकते हैं, बहुत ही लिक्विड एसेट्स है ये, हम मान सकते हैं उसको, कैश में हम बहुत जल्दी उसको चेंज कर सकते हैं, तो बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी हम इसके अंतर्गत ही शामिल करेंगे। संचालन, निवेश एवं वित्तीय क्रियाओं के लिए निम्न व्यवहारों को वर्गीकृत कीजिए। पहला वित्तीय उद्यम, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। दूसरा गैर वित्तीय उद्यम, नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। पहला ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। दूसरा विनियोगों पर प्राप्त ब्याज, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। तीसरा प्रतिभूतियों का क्रय, परचेस ऑफ सिक्योरिटीज। चौथा ऋण एवं अग्रिम, लोन एंड एडवांसेस मेड। पांचवा अंशों पर प्राप्त लाभांश, डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर। छठवा विनियोगों का विक्रय, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सातवा प्रतिभूति क्रय करने पर कमीशन चुकाया, कमीशन पेड ऑन परचेस ऑफ सिक्योरिटीज। आठवा ऋण पर अग्रिम प्राप्ति, रिसिप्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस मेड। नौवा लाभांश चुकाया, डिविडेंड पेड। दसवा प्रतिभूतियों का विक्रय, सेल ऑफ सिक्योरिटीज। यहां पर हमको इन पूरी क्रियाओं को फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है।
और ये बताना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस के अंतर्गत है और नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट पेड ऑफ डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर या शेयर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है वो इसके अंतर्गत आती है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर को अगर हम फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएगा, और नॉन फाइनेंशियल अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट दिया गया है, तो एक तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है और दूसरा क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया गया है तो इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी मानेंगे नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस के अंतर्गत। तीसरा टॉपिक दिया गया है परचेस ऑफ सिक्योरिटीज, तो एक तो परचेस किया गया है सिक्योरिटीज को बिजनेस ऑपरेट करने के दृष्टिकोण से, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत आएगा। और क्योंकि सिक्योरिटी का परचेस किया गया है, एक प्रकार से हम जिस तरह से शेयर या डिबेंचर परचेस करते हैं वैसे ही प्रतिभूतियों का क्रय यहाँ पर किया गया है, यानी कि इन्वेस्ट किया गया है, तो इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत शामिल करेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट डिविडेंड रिसीव, उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट लोन एंड एडवांसेस मेड। तो लोन एंड एडवांसेस जो होते हैं, एक तो वो बिजनेस के ऑपरेट करने के लिए ही लिए जाते हैं, तो अगर हम फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस देखें तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा, और अगर हम नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस में देखें तो क्योंकि एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है लोन या एडवांस, तो इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी शामिल कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट हम देख रहे हैं डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर, तो डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर क्योंकि अंशों पर ये मिला है बिजनेस ऑपरेट से रिलेटेड है, तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे, और एक प्रकार से इन्वेस्ट भी है तो नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस में हम इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस में हम इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे। सेवन पॉइंट में हम देख रहे हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये एक प्रकार से फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा, और नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको हम इंक्लूड करेंगे। सेवन पॉइंट हम देख रहे हैं कमीशन पेड ऑन परचेस ऑफ सिक्योरिटी, तो अगर हम किसी सिक्योरिटी पर कमीशन पे करते हैं तो एक तो फाइनेंशियली अगर इसको देखा जाए तो ऑपरेटिंग के लिए ही किया जा रहा है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा, और क्योंकि ये रिलेटेड टू सिक्योरिटी यानी कि प्रतिभूतियों से संबंधित है तो हम इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं एट पॉइंट रिसिप्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस मेड, तो ये हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी हो जाएगा और साथ में इन्वेस्ट हम कर रहे हैं लोन एंड एडवांसेस रिलेटेड है तो इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नाइन्थ हम देख रहे हैं डिविडेंड पे किया गया है, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, और साथ में अगर हम नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस के दृष्टिकोण से देखो तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही रहेगा। टेंथ पॉइंट हम देखते हैं सेल ऑफ सिक्योरिटीज, तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज को हम देखते हैं कि एक तो वो ऑपरेट से रिलेटेड है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, और सिक्योरिटी की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी इंक्लूड होगा। निम्न लेन देनों के आधार पर बताइए कि वह कौन सा प्रवाह है। पहला अंतर्वाह, दूसरा बहिर्वाह, तीसरा रोकड़ एवं रोकड़ के तुल्य। पहला मशीनरी को 2 लाख रुपए में नगद बेचा, मशीनरी सोल्ड फॉर 2 लाख रुपीज इन कैश। दूसरा भवन क्रय के बदले अंशों का निर्गमन, बिल्डिंग परचेस बाय इशू ऑफ शेयर। सी लेनदारों को 20,000 रुपए नगद चुकाए, कैश पेड टू क्रेडिटर्स 20,000। डी बैंक में जमा किए 70,000, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 70,000। ई फर्नीचर जिसकी लागत 12,000 रुपए थी उसे 11,000 रुपए में बेच दिया। ई फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 12,000 सोल्ड फॉर 11,000। एफ बोनस अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ बोनस शेयर। जी
मशीन पर हाथ लगाया 12,000, चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 12,000, एच लाभांश का भुगतान किया 27,000, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ रुपीज 27,000, आई लाभांश की घोषणा की, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जे बिक्री योग्य प्रतिभूतियों का 55,000 रुपए में नगद विक्रय, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश रुपीज 55,000 के देनदारों से नगद प्राप्त 26,000, रिसीव कैश फ्रॉम डेटर्स रुपीज 26,000, एल बैंक से निकाले 25,000, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 25,000। इस क्वेश्चन में पॉइंट्स के आधार पर बताना है हमको ये इनफ्लो है, आउटफ्लो है कि नो फ्लो है, या फिर कैश कि नो फ्लो है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले तो हम एक फॉर्मेट बना लेंगे इसमें, जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम ट्रांजेक्शन नंबर लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में हम इफेक्ट ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेंगे, और थर्ड कॉलम में हम इसका रीजन लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं ए, जिसमें मशीन को 2,00,000 रुपए में नगद बेचा गया है, मशीनरी सोल्ड फॉर रुपीज 2,00,000 इन कैश। ए वाला जो टॉपिक है वो इनफ्लो है, इसलिए इनफ्लो हम मानेंगे क्योंकि जब हम मशीनरी को सोल्ड करेंगे तो 2,00,000 रुपीज हमारे फॉर्म में आ रहा है, इसके कारण हम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज बाय 2,00,000। बी यहाँ पर हम देख रहे हैं भवन क्रय के बदले अंशों का निर्गमन किया गया है, बिल्डिंग परचेज बाय इशू ऑफ शेयर, हमने एक फिक्स एसेट्स परचेज की और बदले में हमने शेयर जो है उसको दे दिए, तो यहाँ पर नो फ्लो, कोई भी बैलेंस जो है वो बराबर, तो इसको हम मान लेंगे नो फ्लो। रीजन हम लिखेंगे नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका कैश से कोई रिलेशन नहीं था, भवन के बदले में अंश दे दिए गए। सी जो पॉइंट है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेनदारों को 20,000 रुपए नगद चुकाए गए हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब हम लेनदारों को पे करेंगे तो हमारा जो कैश है वो तो हमारे पास से चला जाएगा, तो हम इसको कहेंगे आउटफ्लो, और रीजन हम यहाँ पर लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिक्रीज बाय 20,000। डी पॉइंट हम देख रहे हैं, डी पॉइंट में दिया है बैंक में जमा किए 70,000। अब ऐसी कंडीशन में बैंक में कैश जो है वो जमा हो गई, कहीं खर्च नहीं किया है हमने, बैंक में इसको सिर्फ जमा किया है, यानी हमारे कैश अकाउंट से मूव होकर ये बैंक में जा रहे हैं, यानी कैश जो है वो मूव होकर कैश इक्विवेलेंट हो जा रहे हैं, तो यहाँ हम इफेक्ट में लिखेंगे नो फ्लो, और रीजन में हम लिखेंगे मूवमेंट बिटवीन आइटम ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ई पॉइंट्स को हम देख रहे हैं यहाँ पर, फर्नीचर जिसकी लागत 12,000 रुपए थी उसे 11,000 रुपए में बेच दिया गया, यानी कि यहाँ पर जो 12,000 रुपए की लागत का फर्नीचर था वो 11,000 रुपए में बेच दिया गया, यानी कि कैश जो है हमारे पास वो 11,000 रुपए की आई। ऐसे कंडीशन में इनफ्लो हो जाएगा और हम इसमें रीजन लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज बाय 11,000। एफ पॉइंट में दिया गया है बोनस अंशों का निर्गमन। अब बोनस अंशों का हम अगर निर्गमन करते हैं तो इसमें तो हमको कुछ एक्स्ट्रा मिलना नहीं है, कोई फ्लो नहीं होता, ना हम इसको इनफ्लो कह सकते हैं ना आउटफ्लो कह सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे इफेक्ट में नो फ्लो, और रीजन हम लिखेंगे नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि बात हम यहाँ पर शेयर्स की कर रहे हैं। जी पॉइंट्स में हम देख रहे हैं कि मशीन पर हाथ लगाया गया है 12,000 का, जिसे हम यहाँ लिखते हैं चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 12,000। तो जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीनरी पर, मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, बट कैश हम किसी प्रकार का ना दे रहे हैं ना हमारे पास आ रही है, तो यहाँ पर हम इसको इफेक्ट शो करेंगे नो फ्लो से, और रीजन हम लिखेंगे नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एच टॉपिक हम देख रहे हैं जहां पर लाभांश का भुगतान किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में जब डिविडेंड किसी प्रकार का कोई पे किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में कैश तो जाएगी फर्म से,
तो इसको हम मान लेंगे आउटफ्लो, और रीजन हम लिख लेंगे यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिक्रीज बाय 27,000। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं लाभांश की घोषणा की। तो जब अगर हम लाभांश की घोषणा कर रहे हैं ना, दे रहे हैं ना, कुछ मिल रहा है, तो फ्लो तो कोई यहाँ पर हो नहीं रहा है, तो इसको हम मान लेंगे नो फ्लो, और रीजन हम लिखेंगे नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर हम देखते हैं जे पॉइंट, जिसमें बिक्री योग्य प्रतिभूतियों का 55,000 रुपए में नगद विक्रय किया गया है। तो क्योंकि प्रतिभूतियां हैं और बिक्री योग्य प्रतिभूतियों का यहाँ पर जो विक्रय है उसको हम मान लेंगे नो फ्लो, क्योंकि यह इसका कैश से कोई रिलेशन नहीं है, ये एक प्रकार की सिक्योरिटीज है, और रीजन में हम इसको मान लेंगे, लिख देंगे मूवमेंट बिटवीन आइटम ऑफ कैश एंड कैश इन्वॉल्व एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद यहाँ पर के पॉइंट में दिया गया है देनदारों से नगद प्राप्त। तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि कैश हमारे पास आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो इसको हम इफेक्ट में लिखेंगे इनफ्लो, और रीजन में हम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज बाय 26,000। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम देख रहे हैं एल, यहाँ पे बैंक से निकाले। तो एक्स्ट्रा हमको कहीं से मिल नहीं रहा है, सिर्फ अमाउंट जो है वो कैश इक्विवेलेंट से कैश में मूव हो जा रही है, एक्स्ट्रा अमाउंट कहीं से नहीं मिल रही, तो हम इसको नो फ्लो मान लेंगे, और रीजन हम लिखेंगे मूवमेंट बिटवीन आइटम ऑफ कैश एंड कैश फ्लो इक्विवेलेंट।